अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनएफटी का। तो मेरा खुद का प्रोजेक्ट है दी मैथ क्लब का, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस दूंगा। और उससे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ मोहन भाई का, द बिटकॉइन, कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप तक अपने प्रोजेक्ट शेयर कर सकूँ। बेसिकली मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एनएफटी का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है? तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम है मैथ क्लब। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो जो स्टार्ट किया है वो क्यों किया है और किस वजह से किया है, और आप सब कैसे मेरे प्रोजेक्ट में आ सकते हैं और कैसे दी मैथ क्लब का मेंबर और कम्युनिटी ग्रो कर सकते हैं एक साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनएफटी क्या होता है। कि जैसे आप सबको पता है कि हम लोग क्रिप्टो के अंदर स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग करके पैसा कमाते हैं, तो एनएफटी के अंदर भी लोग पैसे कमा सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले अगर आप पूछें कि भाई एनएफटी क्या है, तो मतलब एनएफटी जो है वो बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन होता है, ठीक है? ये एक यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन है, ठीक है, जो कि कोई भी होल्ड कर सकता है, सही है? और ये ज़्यादातर जो है सोल और इथेरियम की ब्लॉकचेन पे एनएफटी क्रिएट की जाती है, ठीक है? और इसमें आप इसको बाय करके, जिस तरह से हम स्पॉट में ट्रेडिंग करते हैं ना, और मतलब टोकन बाय करते हैं सेल करते हैं, इसी तरह आप एनएफटी के अंदर भी काफ़ी सारे जो वेल्स हैं, बेसिकली चाइनीज हैं और आपके सिंगापुर के जो लोग हैं, बेसिकली वो जो वेल्स हैं वो इन एनएफटी टोकन्स के ऊपर जो है वो काम करती हैं, उनको बाय करते हैं सेल करते हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद आती है कि व्हाट इज वाइट लिस्ट इन एनएफटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइट लिस्ट लेना किसी भी प्रोजेक्ट की। जैसे जैसे आप सबको तो पता है कि डिफरेंट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि किस तरह प्रोजेक्ट्स, हर कोई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा होता है आजकल के दौर में। लेकिन ये कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट देख के उसके व्हाइट लिस्ट लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेसिकली व्हाइट लिस्ट क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ कि व्हाइट लिस्ट जो है वो डेटाबेस होता है आपके वॉलेट एड्रेस का, ठीक है? और आप इसके अंदर अपना मेटामास्क का वॉलेट एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है, जिस आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके ऊपर आपको एक एनएफटी लॉट की जाती है। वो फिर आप अपने एनएफटी ओपन सी पे या फिर आप कहीं भी किसी भी फर्दर वेबसाइट पर आप जाके सेल कर सकते हैं, जो कि एनएफटी सपोर्टेड होती है। व्हाइट लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी अच्छे प्रोजेक्ट की व्हाइट लिस्ट अगर आप लेते हैं तो वो आपको सस्ते में मिल जाती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल ओपन सी के अंदर अगर आपका फ्लोर प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल 0.5 इथेरियम का है, ठीक है, 0.5 इथेरियम की उस एनएफटी की फ्लोर प्राइस है, और आपके पास अगर व्हाइट लिस्ट है तो यही जो एनएफटी है वो आपको 0.2 में मिंट करने को मिलेगी, ETH में आप मिंट कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह एक और होता है ओजी, ओजी रोल, ओजी होता है, ठीक है? ये बेसिकली एक टर्म है डिस्कॉर्ड, मतलब डिस्कॉर्ड में ये टर्म यूज की जाती है आपकी एनएफटी के प्रोजेक्ट्स के अंदर। ओजी होता है यानी कि ओरिजिनल गैंग, ठीक है? अगर आप किसी प्रोजेक्ट का ओजी मेंबर हैं तो वो यही चीज़ आपको जो है वो 0.1 में या फिर 0.01 ETH के अंदर आप इसको मिंट कर सकते हैं। मतलब आपकी 0.5 से इसकी प्राइस नीचे गिरती रहेगी, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि आप किस तरह से एनएफटी के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, जो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है दी मैथ क्लब का, ठीक है? ये मेरे प्रोजेक्ट का लोगो है, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होता है। मैं अपना अपना डिस्कॉर्ड खोला। अच्छा जी, चलें, ये मेरा डिस्कॉर्ड आ गया, ठीक है? जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है ना काम कर रहा हूँ, सही है? और मतलब उनकी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की मैंने जो है वाइट लिस्ट भी ली हुई है, सही है? वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ली है वाइट लिस्ट, किस तरह से लेते हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगा। मैं इसके, ये बोर्ड है, प्याज क्लब है, बोर्ड है पालों का, इसके अंदर भी मैं हूँ ऑलरेडी, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
ये बोर्ड एप के अंदर भी मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इनके साथ, और इनके प्रोजेक्ट्स वगैरह भी मैंने काफ़ी सारे देखे हैं, और इनके साथ भी ऑलमोस्ट तकरीबन मेरी बातचीत रोज़ के रोज़ ही होती रहती है, ऑलमोस्ट तकरीबन। अच्छा चलें चलें, मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है मैथ क्लब, ठीक है। ये हमारा वेलकम पेज है, ये वेलकम पेज आ गया हमारा, ये चैनल्स बने हुए सारे, ठीक है। इसी तरह करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप, अच्छा ये हमने रूल्स यहाँ पे डाले हुए, ठीक है। ये किसी भी आप प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं तो आपको ये रूल्स देखने पड़ते हैं कि किस तरह से, इस तरह यहाँ पे बताया जाता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें इस चैनल में अलाउ हैं, ठीक है। अब आप आते हैं अगर हाउ टू गेट वाइट लिस्ट, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी प्रोजेक्ट में आप जाएंगे, आपको ये हाउ टू गेट दी वाइट लिस्ट, ये आपको देखना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि स्पैमिंग, अगर आप इस चैट में स्पैम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी वाइट लिस्ट से हटा दी जाएगा, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई शो सम आर्ट, आपको अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आप टैटू डिजाइनर हैं या कोई एनिमेशन आप डिजाइन कर सकते हैं, तो वो आप शो सम आर्ट के अंदर आप अगर पोस्ट करें तो आपको चांसेस हो जाते हैं वाइट लिस्ट लेने के, ठीक है। जनरल चैट पे आप ग्राइंड करें, अच्छा अब ग्राइंड क्या होता है, अब ग्राइंड ये होता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जनरल चैट में अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे सारे लोग जो है दूसरे से चैट कर रहे हैं, ठीक है। ये चैट क्यों कर रहे हैं, ये चैट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे इस कम्युनिटी को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे व्हाइट लिस्ट दी जाती है, अब जैसे यहाँ पे हमने इसको व्हाइट लिस्ट दी है, ठीक है, इस बंदे को हमने व्हाइट लिस्ट दी, इस बंदे को हमने कहाँ से व्हाइट लिस्ट दी है, यहाँ पे अगर आप फीफा वर्ल्ड कप के चैनल में आते हैं तो यहाँ पे, सॉरी मैं आपको माइनर अनाउंसमेंट दिखा देता हूँ। ये अच्छा बेसिकली ये वाला जो मैंने चैनल बनाया ना, ये सिर्फ फीफा के लिए बनाया है कि वर्ल्ड कप के हवाले से वो कोई चैट करना चाहे तो वहाँ पे वो चैट कर सकता है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे माइनर अनाउंसमेंट में आता हूँ, तो माइनर अनाउंसमेंट के अंदर मैंने प्रेडिक्शन डाली थी, ठीक है, कि प्रेडिक्शन टाइम हु विल विन टुडे, यानी कि जो कल जो मैच गुजर गया कतर और इक्वाडोर का, उसके अंदर मैंने डाला था कि रिएक्ट करें थम्स अप अगर आप कतर कतर की तरफ है, आपको लगता है कि हाँ भाई कतर जीतेगा, और ओके हैंड अगर आप रिएक्ट करते हैं तो इक्वाडोर, सही है। तो यहाँ पे चार लोगों ने जो है वो इक्वाडोर सेलेक्ट किया था, चार में से हमने एक को व्हाइट लिस्ट दी है क्योंकि इसने पहले किया था, बाकी जब मैच खत्म हो गया था फिर जब तीन लोगों ने रिएक्ट किया था तो वो हमने काउंट नहीं किया, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं कि टोटल मेंबर मेरे पास अभी 136 है, ठीक है, और ये मैंने बॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। टोटल जो मेरी सप्लाई है वो है 1000 NFT की मेरी सप्लाई है, यानी कि 1000 वॉरियर्स है मेरे पास। मैं आपको स्नीक पीक दिखा देता हूँ अपनी, ये हमारी स्नीक पीक है, ठीक है, इस तरह का ये हमारी NFT है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो वो है थीम है वो ऑटोमन वॉरियर का, ठीक है। ये हमारी फीमेल वॉरियर है, ये मेल वॉरियर था, ठीक है, और फीमेल वॉरियर डिफरेंट डैगर के साथ और डिफरेंट वेपन के साथ है। यहाँ पे इसका वेपन नहीं है अभी फिलहाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ पे हमने इसको मेहंदी और ये सारी चीजें और डिफरेंट स्किन्स और वाइकिंग स्टाइल में भी बनाया हुआ है। ये इस तरह से ये हमारा पहला फेज है। अच्छा मैं आपको अगर इसका अपना रोड मैप दिखाऊँ, रोड मैप दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ये किस तरह से है। अच्छा बेसिकली ये हमारा रोड मैप शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। हमारे फेज वन के अंदर जो है, जो भी फेज वन चल रहा है हमारी, जो अभी वो है क्या कहते हैं, मोर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अच्छी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करना, ठीक है। लॉन्चिंग ऑटोमन वॉरियर्स के NFT है, ठीक है, टोकनॉमिक्स है। हम अगर कोई हमारे पास अपनी जो वो है हमारी जो NFT है वो अगर कोई स्टेक करता है तो हम उसको गिफ्ट में एक टोकन देंगे, ठीक है। तो जब तक जैसे टाइम पीरियड होता है 6 मंथ्स का, 3 मंथ का या 1 मंथ का, ठीक है, वो हमारी NFT जो मिंट करता है, मिंट करने के बाद अगर उसको होल्ड करते हैं तो हमें उसको गिफ्ट में एज अ क्रिप्टो टोकन दिया जाएगा उसको, ठीक है। और फेज टू के अंदर हमारे पास अभी कार्टून कैरेक्टर्स हैं, पोकर थीम है हम लोगों के पास, ठीक है, हम लोगों का पोकर थीम भी है, पोकर गेम या और भी फर्दर गेम जो है वो भी आने वाले हैं, उस वो अंदर भी अंडर डेवलपमेंट में है।
और वर्चुअल ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म अपना खुद बना रहे हैं, ठीक है, और कोलैब करेंगे हम पोकर वालों के साथ कि वो हमारी थीम यूज करें, स्टेकिंग ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक है, और मूवी करेक्टर्स जो ओल्ड पुरानी मूवी मूवीज थी इंग्लिश मूवी, उनके जो करेक्टर्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट मूवी के, तो उनके जो है हम जिफ्स और एनएफटीज वगैरह बनाएंगे, और कार्टून करेक्टर्स भी हैं हमारे पास, तो ये हमारा पहला रूट मैप है, ठीक है। और इस तरह से अगर मैं आपको चैनल का टूर दूं, तो ये जनरल चैट है जहाँ पे लोग चैट करते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप देखें अभी यहाँ पे चैट चली रही है। और ये हमने एक चैनल बनाया है मीम लवर्स का, कि जो मतलब मीम जिनको पसंद है वो यहाँ पे आपके अपने मीम पोस्ट करें, और जो फाउंडर है वो देख के मतलब इंगेजमेंट बेसिकली देखनी होती है, कौन सबसे ज्यादा इस कम्युनिटी का सपोर्ट कर रहा है, तो फिर हम उसको व्हाइट लिस्ट देते हैं, और जब वो मिंट करने पे आते हैं तो उसकी जो वो है वर्थ है वो कम हो जाती है, मतलब उसको डिस्काउंट मिलता है, फॉर एग्जाम्पल, इस तरह आसान लफ्ज में समझना है। जो भी आर्टिस्ट वगैरह है यहाँ पे शोसम आर्ट में जो है वो अपने पोस्ट कर सकता है, कोट ऑफ द डे में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे डेली के कोट्स वगैरह दिए जाते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास यहाँ पे मीम कंपटीशन चल रहा है कि जो लोग यहाँ पे मीम शेयर करेंगे उनको व्हाइट लिस्ट दी जाएगी, ठीक है, आप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे मीम कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रूफ, ट्विटर रीड है कि जो मतलब हमें फॉलो कर रहे हो यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करता है एज ए कंफर्मेशन, तो फिर ये कि उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो उसके व्हाइट लिस्ट के। फूड लवर्स का भी है कि मतलब जो फूड के लवर्स हैं वो यहाँ पे अपना खाना वाना जो है मतलब एज एन एंगेजमेंट के लिए हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का हमने एक ऑप्शन बनाया है कि एक चैनल खोला हुआ है कि जो भी है वो यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। बेसिकली यहाँ पे क्रिप्टो के चैनल के अंदर क्रिप्टो टॉक्स हमने एक डाला हुआ है यहाँ पे, और डे ट्रेडर के लिए हमने एक चैनल खोला हुआ है, फ्री क्रिप्टो सिग्नल का भी चैनल खोला हुआ है। अभी यहाँ पे हमने कॉल देनी शुरू की नहीं है, हम यहाँ पे कॉल जनरली स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। फॉरेक्स का भी दिया है और क्रिप्टो माइनिंग का भी हमने एक चैनल खोला है यहाँ पे, सो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी चीज़ देनी बहुत अच्छी चीज़ नज़र आएगी कि माइनिंग के हवाले से। अच्छा, अब आते हैं गिव अवेज, ये सारे गिव अवेज हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के, दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे हमने चीज़ें यहाँ पे डाली हैं कि लोग यहाँ पे हमारे प्लेटफॉर्म से अगर वहाँ जाना चाहें तो वहाँ पे लोग जा सकते हैं, जैसे इस तरह के ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी डले हुए हैं, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, फ्री पे और फ्री मिंट है इन लोगों की, और बीस क्लब है, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काफी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, रोबोट्स का है, और भी काफी सारे क्रिप्टो अपने एनएफटी के जो है वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हम लोगों ने डाले हुए हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास पब्लिक गेम्स का भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे रिडल वगैरह खेली जाती है, जो लोग मतलब एज एंगेजमेंट लोगों को रखने के लिए। फीफा वर्ल्ड कप का मैं आपको पहले दिखा चुका था, ये फीफा वर्ल्ड कप का चैनल है हमारे पास, और ये टिकट्स वगैरह है। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ है कि बिटकॉइन चैनल, मून भाई का जो चैनल है उसके तबस्सुम से अगर कोई भी लोग कोई भी पर्सन यहाँ पे ज्वाइन करता है, ठीक है, वो यहाँ पे जैसे वो ग्रुप में आएगा यहाँ पे आके ओपन टिकट में टिकट अपने क्रिएट करेगा, अपना नाम लिखेगा और रेफरेंस डालेगा, आई एम फ्रॉम द बिटकॉइन यूट्यूब चैनल, और तो ये कि उसको डायरेक्टली व्हाइट लिस्ट दे दी जाएगी। यहाँ पे काफी सारे और भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा मून भाई से कि अगर आप चाहते हैं कि और भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अपलोड हो या इस तरह की और भी अगर आपको कोई वीडियो वगैरह चाहिए हो तो काइंडली बताइएगा, एंड इंशाल्लाह उसके ऊपर अभी आपको ऑलरेडी जो है वो वीडियो बना देंगे। तो बेसिकली यही है, अब बेसिकली हमारा जो मिशन और विजन है वो काफ़ी बड़ा है, कि बेसिकली अभी तो ये हमारी स्टार्टिंग है, हम अपनी कम्युनिटी ग्रो करना चाह रहे हैं, और अब बेसिकली मेरा जो टारगेट है ना वो मेरा टारगेट ये है कि मैं जो हूँ तकरीबन एशिया कम्युनिटी को टारगेट करूं, इसके अंदर हमारा पाकिस्तान, इंडिया और अदर जो एशियन कंट्रीज है, क्योंकि
एनएफटी का जो ये प्लेटफॉर्म, एनएफटी का जो ये काम है ना, वो पाकिस्तान इंडिया में बहुत कम है जो मैंने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के भी जो लोग हैं वो आके हमारी इस मैथ क्लब की कम्युनिटी का पार्ट बने, ठीक है, और भी वो ये कम्युनिटी ग्रो करें। सही है, तो ये कि इंशाल्लाह हमारी जो मिंट है वो मिंट क्रिसमस से पहले होगी, मिंट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से पहले जो है हमारी मिंट है। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आप लोग हमारे इस मैथ क्लब के सर्वर में आए, और आने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एक हम बनाना चाह रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें। अभी इसके अंदर एक इनवाइट कंपटीशन भी हम रखने वाले हैं कि जो लोग ज़्यादा आएंगे यहाँ पे, ठीक है, और जितना वो अपने लोगों को, अपने और लोगों को यहाँ पे बुलाएंगे, यहाँ पे उनको इनवाइट करेंगे, तो उनको हम डायरेक्टली या तो ओजी रोल देंगे या फिर व्हाइटलिस्ट देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप इस डिस्कॉर्ड में आए, यहाँ पे आप ओपन टिकट करें, ठीक है, यहाँ पे ओपन टिकट करें, यहाँ मेरा नाम देखने एडमिन अजद अली, ठीक है, आप यहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, और आप मुझे यहाँ पे मैसेज करें, या फिर आप टिकट में, आप जब भी आप कोई भी टिकट क्रिएट करेंगे तो वो डायरेक्ट वो मेरे पास ही आएगा, तो आप अपना नाम यहाँ पे मेंशन करें कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या बोलना है यहाँ पे। हेलो, आई एम फ्रॉम जो भी आपकी कंट्री है, ठीक है, वो कंट्री आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, और रेफरेंस दी बिटकॉइन यूट्यूब, ठीक है, द बिटकॉइन यूट्यूब कर दें या बिटकॉइन प्रीमियम कर दें, जो भी कर दें वो आप मुझे टिकट ओपन करके मैसेज करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं आपको व्हाइट लिस्ट अपने ही ग्रुप की दूंगा, अपने ही इस प्रोजेक्ट की आपको व्हाइट लिस्ट दूंगा, ठीक है। और भी मेरा जो है क्या कहते हैं, और भी हमारा प्रोजेक्ट का और भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऑन गोइंग है, तो उसके हवाले से भी मैं इंशाल्लाह एक आध और कोई वीडियो की रिक्वेस्ट करूंगा, या फिर जब जब भी आप इस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे तो फिर ये कि आप यहाँ पे, आपको अनाउंसमेंट में जो भी चीज़ होगी वो आपको जो भी नई अपडेट होगी बता दी जाएगी, हमारे अनाउंसमेंट के अंदर भी आपको चीज़ें बता दी जाएंगी सारी, ठीक है। ये हमारे ऑफिशियल लिंक्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो डिस्कॉर्ड का जो जो ये वाला लिंक है वो लिंक मैं पोस्ट कर दूँ, मैं बता दूंगा मून भाई को, तो मून भाई जो है वो अपने चैनल पे कॉपी कर देंगे आपको ये वाला लिंक, तो ये लिंक इंशाल्लाह आप लोग इसमें डिस्कॉर्ड में डालेंगे तो इंशाल्लाह आप हमारे ग्रुप में आ जाएंगे, हमारे इस चैनल में आ जाएंगे, और इंशाल्लाह मिलकर इस कम्युनिटी को हमें ग्रो करना है, और पाकिस्तान और इंडिया एशियन कंट्रीज के अंदर हमने एनएफटी की एक नई स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनानी है। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।